और कांग्रेस में परिवारवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान का बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने भी समर्थन किया। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए हम उनके परिवारवाद की बात करते हैं। एक ही परिवार की बात करती है कांग्रेस, गांधी परिवार के बाहर के लोगों को अपमानित करती है कांग्रेस। कांग्रेस में सिर्फ एक ही परिवार का नेतृत्व चलता है और इसी परिवार के कारण आज कांग्रेस रसातल में चली गई है। बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए हम परिवारवाद की बात कहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की ही बात करती है और केवल गांधी परिवार की बात करती है। गांधी परिवार से बाहर के जो भी लोग हुए उन्हें अपमानित किया गया, चाहे वो सीताराम केशरी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों या अन्य कोई हों। केवल एक परिवार और एक ही परिवार का नेतृत्व चलता है और ये परिवार के ही कारण आज कांग्रेस रसातल में है। कांग्रेस के उस परिवार ने लगातार जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और पूरे संगठन को उन्होंने समाप्त किया। तो ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते और परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और रायपुर में केंद्रीय मंत्री